फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शर्नलीज किचन। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घर में सेफ हो। आज मैं और एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, वो है पनीर चना मसाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर चना मसाले बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो है, इधर मैंने लिया है पनीर। पनीर को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और नमक पानी में भिगो के रखा है। इसमें क्या होगा कि पनीर सॉफ्ट रहेगा और उसके अंदर थोड़ा सा नमक भी जाएगा। उसके बाद मैंने लिया है इधर काबुली चना, उसको मैंने काबुली चना को मैंने प्रेशर में बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा नमक और खाने का जो सोडा होता है, मीठा सोडा होता है, उसको दे के, थोड़ा सा सोडा दे के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। उसके बाद लगेगा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने रोस्ट कर लिया है। हरी मिर्च, टमाटर, इधर लिया है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, इधर लिया है सरसों का तेल, आप लोग रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, इधर लिया है थोड़ा सा घी, सूखे मसाले में लगेगा हल्दी, इधर लिया है गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इधर लिया है चना मसाला पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इधर कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है, गरम भी हो गया है तेल। तो इसमें मैं अभी दे दूंगी ये अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट है वो। देखिए इसको अच्छे से भूनना है। ये मसाला थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें दे दूंगी टमाटर और हरी मिर्च। और ये सूखे मसाले जो हल्दी, चना मसाला, गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च दूंगी मैं। और इसमें दूंगी थोड़ा सा पानी और नमक। नमक आप लोग स्वाद अनुसार दे देना। ये देके फिर से मैं इसको ढक के थोड़ा सा पकाऊंगी। मेरा इधर मसाला भुनना हो गया है, तेल छोड़ दिया है मसाला ने। तो अभी मैं इसमें ये चना, जो बॉईल किया हुआ चना, ये दे दूंगी। और जो पनीर है वो भी दे दूंगी मैं। ये पानी देना नहीं है, सिर्फ पनीर को उठा के मैं दे दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके अभी इसको थोड़ी देर पकाना है हाई फ्लेम में। और इसके अंदर मैं ये जो रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी है उसको थोड़ा सा क्रश करके मैं इसके अंदर मैं दे दूंगी। कसूरी मेथी को रोस्ट कर लेना तो फिर बहुत अच्छा खुशबू आता है इससे। अभी इसको ढक के मैं 5 मिनट कुक करूंगी। चने में उबल आ गया है, अभी मैं इसमें से थोड़ा सा चना मैं उठा लूंगी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही उठाऊंगी मैं। उठा के इसको थोड़ा सा स्मैश कर लूंगी। स्मैश करने के बाद फिर से मैं इसमें दे दूंगी। इससे क्या होगा, ये जो ग्रेवी है थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। मैंने इधर वो छोले स्मैश कर लिया है, तो इसमें मैं देके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून मैंने दिया है। मेरा इधर छोले पनीर बनके तैयार हो गया है। मैं लास्ट में इसमें तड़का लगाऊंगी, तो अभी मैं इसको उठा के रखूंगी
इधर मैंने एक तड़का पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ये घी डाल दूंगी। घी गरम हो गया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अभी इसमें मैं ये लाल मिर्च पाउडर दे दूंगी। और मैंने ये सब्जी पनीर मसाला, छोले पनीर इधर उठा के रखा था, इसके अंदर मैं ये तड़का डाल दूंगी लास्ट में। अभी मैं इसको गार्निश करूंगी। ऑनियन रिंग और मैंने इधर ये अदरक कट के रखा है, ये देके मैंने इसको गार्निश कर दिया है। मेरा पनीर छोले मसाले बनके तैयार हो गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा। आप लोग भी घर पे ट्राई करना, कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।